हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के रिगार्डिंग नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आप आईफोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो सीधा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियोज आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे देंगी कि आप आईफोन रिपेयरिंग में बहुत एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कौन से पार्ट हमारे हम रीड्राइट करके शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप हार्ड डिस्क को सीधा ही चेंज नहीं कर सकते, उसका डाटा रीड राइट करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक इस वीडियो में हम बताएंगे आपको वाईफाई के बारे में सारी डिटेल, वाईफाई क्या होता है, तो उसको हम सीधा चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किन किन सेट्स में हम अपने वाईफाई, अगर आपका वाईफाई किसी खराब हो जाता है तो आप सीधा उसको चेंज करोगे तो आपका वाईफाई चल जाएगा, और अगर कौन से सेट ऐसे हैं जिसमें आप अपने वाईफाई को सीधा ही चेंज नहीं कर सकते और उसको क्यों नहीं कर सकते, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो बात करेंगे हमारे जो 6 प्लस के नीचे के सारे मॉडल है, चाहे आपका 4S है, 5 है, 5S है, 6 है या 6 प्लस है, इसमें अगर आपका वाईफाई खराब होता है तो आप सीधा अपने वाईफाई को चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सीधा वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर 6S के ऊपर के सारे मॉडल्स की बात करें तो उस मॉडल्स में आप अपने वाईफाई को सीधा ही नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आपके वाईफाई को हार्ड डिस्क के अंदर बाइंड किया हुआ है। तो अगर आपको अपने वाईफाई को अनबाइंड करना है, अनबाइंड का मतलब ये है कि अगर आपने अपने वाईफाई को चेंज करना है तो आपका जो वाईफाई करंटली आपके सेट में लगा हुआ है, जहां आपका वाईफाई आईसी खराब हो चुका है, उसकी कुछ परमिशन हार्ड डिस्क में बाउंड की हुई है। तो अगर आप अपनी परमिशन को अनबाइंड करना चाहते हो तो वो दो कंडीशन है। एक तो आपके पास अगर जेसी प्रो है तो आप अपने वाईफाई को अनबाइंड करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हम अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव करके जेसी के अंदर आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने जैसे हार्ड डिस्क कोई भी आपका वाईफाई अगर आप चेंज करते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस कंडीशन में आपका सेट वाईफाई एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप अपनी परमिशन को अनबाइंड नहीं करते, सीधा ही अपना वाईफाई आईसी चेंज कर लेते हो, उस कंडीशन में आपका वाईफाई आईसी नहीं चलेगा। तो दूसरा एक और इसका तरीका है, उस तरीके की बात करेंगे। एक हमारा आई रिपेयर का बॉक्स आता है तो उससे हम अपने वाईफाई को अनबाइंड कर सकते हैं, बट एक स्पेसिफिक मॉडल तक। हम आईफोन एक्स के नीचे नीचे कोई भी आपके पास मॉडल आता है, अगर आपने उसका वाईफाई चेंज करना है तो उस कंडीशन में आप इस बॉक्स के साथ अपने सेट को कनेक्ट करने के बाद आप उसको अनबाइंड कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको अपनी हार्ड डिस्क रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपने पी बॉक्स को कैसे यूज करना है, अपने आई आर रिपेयर को कैसे यूज करना है, किस तरीके से आपने अपनी वाईफाई को चलते हुए सेट से अनबाइंड करना है विदाउट रिमूविंग हार्ड डिस्क। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।